अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया है घी जो कि है एक पाव। क्योंकि मैं बेसन एक पाव ही लेने वाली हूँ तो उसमें एक पाव घी जाएगा। तो घी जैसे ही गर्म हो गया मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। जितना बेसन होगा उतना ही इसमें घी पड़ेगा और उतनी ही शक्कर जाएगी। इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। आंच रखनी है मीडियम और कोई लम्स या गुठली नहीं रह जानी चाहिए। तो घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी और इसमें डाल दूँगी। तो एक चम्मच घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। वैसे इसी तरह हम चलाते हुए भूनेंगे। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी भी हमें इसमें इसको कुछ और देर भूनना है और हो सके तो इसके लिए नॉन स्टिक पैन ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनते रहना है जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 10 से 15 मिनट इस लगेंगे इसको भूनने के लिए। तो अब ये देखिए ये भून चुका है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब मैंने चूल्हे से इसे हटा लिया। अब दूसरे पैन में मैं डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर भी है पाव किलो और इसमें डाल रही हूँ आधी प्याली पानी। इसकी हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ये देखिए जब शक्कर पिघल जाएगी तो इसे कुछ देर पकाना है जब तक के इसमें एक तार ना आने लगे। देखिए अभी तार टूट रहे हैं, थोड़ा देर हम और पकाएंगे। तो ये चाशनी तैयार हो गई है। अब तैयार चाशनी को हम अपने बेसन वाले बैटर में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा ज़्यादा मुलायम बने तो इसी स्टेज पर आप इसमें एक कप दूध भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, तकरीबन आधा चम्मच फूड कलर और दो तीन कतरे केवड़ा एसेंस। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक के बेसन जो है वो बर्तन को छोड़ने ना लगे। थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का। इसे इसी तरह चलाते रहिए। ये देखिए अब बेसन ने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो कुछ देर भूनकर अब हम इसे चूल्हे से हटा लेंगे और एक घी लगी हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से फैला लीजिए और इसे तकरीबन 15-20 मिनट सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। और आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं अभी डाल सकते हैं इसके ऊपर। जैसा कि मैंने कहा ये हलवा थोड़ा सा हार्ड होता है, तो अगर आपको मुलायम हलवा चाहिए तो जिस वक्त आपने चाशनी ऐड की थी उसी वक्त आप इसमें एक कप दूध भी ऐड कर दीजिए। तो हलवा हमारा जम गया है, तो अब हम इसके पीसेस बना लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।